नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त की। आपने कई बार सुना होगा कि जो स्थिर लग्न होती है, स्थिर लग्न चार प्रकार की होती है, जैसे वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह। ये चार लग्न ऐसी है जो स्थिर लग्न है और इस स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करने का महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो आपके घर में जो लक्ष्मी है वो स्थायी रहेगी, स्थिर रहेगी। इस कारण से लक्ष्मी जी की पूजा स्थिर लग्न में करने का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन क्या है कि सब लोग सभी लग्नों में पूजा नहीं कर सकते। मतलब ये कि जैसे मैंने सोचा कि यार मेरी लग्न सिंह लग्न है तो मैं सिंह लग्न में जब आएगी तो पूजा करूंगा, किसी का वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि में वृश्चिक लग्न आएगी तब पूजा करेगा, ऐसा नहीं है। इन सभी लग्नों में कौन कौन लोग पूजा कर सकते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, तो वृश्चिक लग्न जो होती है वो प्रातः काल की लग्न होती है, सुबह की लग्न होती है और उसमें सभी लोग पूजा नहीं करते। उसमें कौन कौन पूजा करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में अगर पूजा करना हो तो आप सुबह कर सकते हैं, हॉस्पिटल में अगर पूजा करना है तो आप सुबह कर सकते हैं, हॉस्टल में अगर पूजा करना है, स्कूल में, कॉलेज में, इस प्रकार के, या साथ में राजनीतिक कोई लोग है वो पूजा कर सकते हैं, टीवी फिल्मी कलाकार, इस प्रकार के जो लोग हैं वही इस समय पूजा करते हैं, किसमें, वृश्चिक लग्न में। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए वृश्चिक लग्न नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए वृश्चिक लग्न होती है जिनमें उन्हीं लोगों को इसमें पूजा करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम हमारी दूसरी स्त्री लग्न की। दूसरी स्त्री लग्न है कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न में वो लोग को पूजा करनी चाहिए जो किसी बीमारी से ग्रसित है, जो चल फिर नहीं सकते, जो कि असाध्य रोगों से पीड़ित है, ऐसे लोग को पूजा करना चाहिए। साथ ही उन लोग को भी इसी समय पूजा करना चाहिए जो कि जिनके ऊपर की शनि की कोई दशा चल रही हो, जैसे साढ़े साती दशा है, ढैया की, ढैया शनि की कोई दशा चल रही हो, उन लोग को इस समय पूजा करनी चाहिए। और ये जो पूजा का टाइम है वो दोपहर का टाइम होता है। जो पहला मैंने बताया था आपको वृश्चिक लग्न, वो सुबह के लग्न होती है। जो दूसरा पूजा का टाइम है यानी दूसरी जो लग्न है वो दोपहर के टाइम होती है, और दोपहर को इन दोनों लोगों ने, जो अभी मैंने बताया, उन लोग को इस समय पूजा करनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं तीसरी स्त्री लग्न की, जो कि वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न जो है तो होता है वो शाम का टाइम होता है, और यही टाइम सभी लोगों के लिए है। अभी जो मैंने जो लोगों को बताया वो भी इस टाइम पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो इस टाइम पूजा नहीं कर सकते। ये जो ऐसा टाइम है शाम का जिसमें सभी लोग, जो जितने भी लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, वो सभी लोग इस टाइम में पूजा कर सकते हैं, खासकर गृहस्थ लोग तो इसी समय पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो शाम का लग्न है जिसको हम वृषभ लग्न बोलते हैं, जो वृषभ काल के नाम से भी जाना जाता है, तो इस समय में यानी शाम के समय में सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छी लग्न मानी जाती है। और वृषभ लग्न को लक्ष्मी जी की बहुत ही खास लग्न मानी जाती है, लक्ष्मी पूजा के लिए खास लग्न मानी जाती है, तो इसमें सभी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, सभी लग्न वाले लोग इसमें पूजा कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारी चौथी लग्न की। चौथी लग्न है सिंह लग्न। सिंह लग्न हमेशा मध्य रात्रि के बाद आती है, मध्य रात्रि के थोड़े बाद ये लग्न शुरू होती है, तो इसमें वही लोग पूजा करते हैं जो संत है या तांत्रिक लोग हैं। तांत्रिक लोग और संत लोग ही इस समय में, यानी कि जो चौथी लग्न है सिंह लग्न, उसमें पूजा करते हैं, बाकी लोग इसमें पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको चारों लग्नों के बारे में बता दिया। ये बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हमारे जो राशि है, अगर हमारी स्थिर राशि है कोई तो उसी में हमको पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको चारों लग्नों के बारे में बताया कि कौन सी लग्न में कौन से लोग को पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो थर्ड लग्न है जिसको हम वृषभ लग्न बोलते हैं, उसमें सभी लोग पूजा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो समय कौन सा है जिसमें सभी लोग पूजा कर सकते हैं, यानी कि दिवाली में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त इस साल क्या रहेगा। जो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 तारीख नवंबर को, यानी कि 4 नवंबर को शाम को 6:09 से, शाम को 6:09 से रात्रि 8:20 तक, ये समय है करीबन 2 घंटे 11 मिनट का समय होता है। इस बीच में सभी लोगों को पूजा कर लेनी चाहिए, यह अच्छा समय है और शुभ मुहूर्त यही वाला है। ठीक है, अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 5:34 शाम को 5:34 से 8:10 तक का समय जो है वो प्रदोष काल का है। अब मैं आपको वृषभ काल का समय बताता हूँ जिसको अभी मैंने बात की थी वृष लग्न वाले। तो वृषभ काल का समय वो क्या रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। आप वृषभ काल का जो समय है वो 6:10 से 8:06 का है, 6:10 शाम को 6:10 से
रात्रि 8:06 तक का जो समय है वह वृषभ काल का है, मतलब वृषभ लग्न का है। इसी समय सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया कि जो लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:09 से 8:20 तक है। ये पूरा ड्यूरेशन जो है 2 घंटे 11 मिनट का, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और इसमें भी अगर स्पेसिफाई आपको करना है, इसमें से भी आपको खास मुहूर्त देखना है, तो अभी मैंने जो वृषभ काल बताया जो 6:10 से 8:06 है, इस बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। जय हिंद।